One, two, make some noise, come on! One, King of the Jungle! बात हो रही है King of the Jungle की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है जंगल की शेरनी। एक बार फिर से तालियां। मैं समझ गया। Thank you so much. Alrighty then. Alright, I'm your host, the ghost, the roasted toast. I call myself Andrew. I'll be the MC for the day. आप सबका स्वागत है यहाँ पे इस प्यारे से शहर में New Delhi. Alright, so once again, one championship. अगर आपको थोड़ा सा बताऊं उसके बारे में, it's the home of martial arts. अब आप सोच रहे हैं मार्शल आर्ट्स में क्या क्या होता है, ये थोड़ी नॉलेज मुझे भी कम थी, पर यहाँ पे काम कर रहे फाइटर्स बैठे हैं और होता है इसमें समथिंग लाइक दिस, यू नो, पर और भी होता है लाइक दांत रूस ऐसा चलते हैं इसमें. एंड द होम ऑफ मार्शल आर्ट्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन. ऑलराइट, होस्टिंग बाउट्स अक्रॉस ऑल स्टाइल्स लाइक उसमें है सिलेट, किक बॉक्सिंग, कराटे, कुंग फू, टाइकोंडो, सबमिशन ग्रैपलिंग. आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है, बट अभी थोड़ी देर में हमारे पास जो हमारी शेरनी है हमें थोड़ा डिस्प्ले करेंगे, इसके अंदर समझ में आ जाएगा कि इसका उससे होता क्या है, इससे कैसे लड़ा जाता है. ऑलराइट, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वन चैंपियनशिप इज होस्टिंग एन ओपन वर्कआउट. यहाँ पे एक ओपन वर्कआउट है, बताया मैंने आपको दिल्ली शहर में, तो आप सब एक्साइटेड हो रहे हैं उस चीज के लिए, काफी मजा आने वाला है, काफी मस्ती होने वाली है. वी आर एक्साइटेड टू हैव दिस मीट एंड ग्रीट विद योर होम टाउन हीरो, आपकी शेरनी. Can you make some noise? What's the name? Ritu Phogat. All right. Yeah, यहाँ पे भी यहाँ पे backdrop में है, but she'll be joining us. All right. So we are excited as she showcases her skills ahead of her second bout in one championship at one King of the Jungle, which is set to take place in Singapore on the 28th of February. तो 28 फरवरी को अपने टीवी के सामने, ऐप के सामने, वन ऐप के सामने बैठ जाओ, क्योंकि ये लाइव होगा बाउट. ओके, बट फर्स्ट, उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पार्टनर्स, स्पेशली स्टार टीवी. इफ यू गाइस आर देयर, थैंक्स अ लॉट. ऑलराइट, ओके, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक यू टू हेल्प मी विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू नो वेलकम आवर गेस्ट्स, मिस्टर महावीर सिंह फोगाट. तालियां हो जाए. बापू से हथ, गाना सुना है आपने, आपने गाना सुना है बापू से, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो ये इनका इंट्रोडक्शन है बापू सेहत के लिए. ऑलराइट, यू नो दैट, यू कैन रिलेट टू दैट. ऑलराइट, आल्सो वी हैव द वन एथलीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया, पूजा तोमर विद अस. थैंक यू, बहुत ही प्यारी ऑडियंस है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंड इट्स अ ऑनर टू हैव यू ऑल हियर. आप सबका भी स्वागत है, थैंक यू सो मच. To kick things off, I would like to invite Ritu थोड़ी देर में to demonstrate उनके लात घुसे मुक्केबाजी जो दिखाएंगी हमारे साथ. बस मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा ताकि मुझे ना चोट लग जाए, बिकॉज आई एम एन एमेच्योर, मुझे आता भी नहीं है कुछ, मैं तो सिर्फ भागना जानता हूँ. ऑल राइट एवरी वन, यू मोस्ट वेलकम टू टेक योर फोन्स आउट, फोटोग्राफीज और फ्लैश तो ऑन कर ही लो, बिकॉज आई वॉन्ट द फ्लैश टू यू नो फॉल ऑन द स्टेज एंड द फोटोग्राफ्स हैव टू बी परफेक्ट, अपलोड देम ऑन सोशल मीडिया, क्रिएट द बस, बिकॉज वी वॉन्ट टू सपोर्ट रितु फोगाट, इज़न्ट इट गाइज? डू यू गाइज वांट टू सपोर्ट हर? यस, सो प्लीज शेयर इट ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नाउ, फोटो खींचो, अपलोड मारो. ऑलराइट, ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू योर होम टाउन शेरनी, रितु फोगाट. यस, कम ऑन. ऑलराइट, yay, make some noise, come on guys. All right, the workout. All right, there we go. Ritu Phogat,
Ritu Phogat. Ritu Phogat. Is a multiple time wrestling world champion and promises to become the most talented mixed martial arts representing India. Ritu won her first mixed martial arts bout at one Age of the Dragons in Beijing last November against Korean athlete Nam Him Kim. Via first round technical knockout, she's looking for her second victory in one championship. All right, she now trains at Evolve's MMA, Asia's number one MMA gym. By training daily with world champions, utilizing the world-class facilities at Evolve, Ritu is expected to become the first one world champion to come out of India. In the upcoming Singapore event, Ritu will showcase her skills against China's Wu Chiao Chen in the women's atomweight division. Besides that, Singapore event will feature the absolute and best world-class martial art talent as well. So make sure you do not miss out this event, the Ritu's bout. Okay. Thank you. Thanks a lot. Thank you for the applause. That is Ritu for you. Thank you, ma'am. Ritu ji, main London bilkul nahi aaya hu. Main samajh gaya hu. All right. Thank you so much. All right. I'm not trained as well. Thank you so much, Ritu, for being here. I would like you to share your experience, a few words. Thank you. Thank you, everyone. Mujhe aaj bahut garv aur Yes! अपने स्किल दिखा पा रही हूँ तो इसमें मुझे मेरे लिए ये बहुत गर्व और सम्मान की बात है और मेरा रेसलिंग करियर काफ़ी अच्छा था काफ़ी लोगों ने कहा कि आप रेसलिंग छोड़कर मिक्स मार्शल आर्ट में क्यों गए तो मेरे लिए ये डिसीजन काफ़ी टफ रिस्क की था लेकिन वही कहते ना कुछ नया करना तो रिस्क को लेना पड़ेगा मैंने ये रिस्क लिया क्योंकि मैं यही था कि मेरे दिमाग में क्यों मिक्स मार्शल आर्ट में इंडिया से कोई चैम्पियन क्यों नहीं है तो यही वो चीज़ थी जो मेरे को
रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में लेके गई और मैं यही कहूँगी कि और इवोल्व फाइट ने मेरे इस इवोल्व ने मेरे काफ़ी हेल्प कर रहा है, मेरे स्किल को इम्प्रूव कर रहा है, मुझे अपने मंजिल तक पहुँचाने के लिए वो काफ़ी सपोर्ट कर रहा है और मैं यही कहूँगी कि मेरी मंजिल अभी दूर है लेकिन उसके लिए मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं देश के लिए जल्दी मिक्स मार्शल आर्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप का बेल्ट लेके आऊंगी। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू रितु, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। हम भी इस जंग के लिए तैयार हैं तो मिस आउट ना करें, 28 फरवरी अपना कैलेंडर मार्क कर लो। ओके रितु, रितु जी आपको पिछाड़ देना है उनको पूरा। ऑलराइट थैंक यू, ऑलराइट थैंक यू, ओके थैंक यू रितु। ऑलराइट तो एक बार दोबारा से भूले ना 28 फरवरी को, स्टे ट्यून्ड। वन सुपर ऐप है, उसके बाद यूट्यूब है एंड देन अदरवाइज स्टार टीवी इज ऑल्सो देयर। सो प्लीज यू नो डू लुक आउट फॉर द बाउट। ऑलराइट फॉर नाउ विदाउट मच अडू आई वुड लाइक टू मिस्टर हरी विजय राजन सर इज अमंगस्ट अस। हेलो सर, तालियां बनती हैं। ऑलराइट मेक सम नॉइस। द चीफ कमर्शियल ऑफिसर एट वन चैंपियनशिप सर, वेलकम। आई लाइक टू ओके सर, थैंक यू एंड वी वुड लाइक टू ऑलराइट इफ इट्स ऑसम मेक सम नॉइस। Yeah, this is what इसे बहुत देखा सब। All right, thank you so much, sir. All right, sir, share your experience and a few words with us. So first of all, it's amazing to be back in India. So I, for those who don't know, I grew up in Bangalore, and I moved to Singapore almost 20 years back. So it's always good to come back home to India, and it's also amazing to see now Ritu and Pooja and all our Indian athletes making India very proud on the global stage. On the martial arts platform that One Championship has provided. So as many of you know, One Championship is Asia's largest global sports media property. And we have a very simple philosophy, and that is Asian values, hero building, and storytelling. So we call it values, heroes, and stories. And this is the same ethos as Olympics uses, right? Values, heroes, and stories. And values are what? Same as Indian values: integrity, humility, compassion, honor, respect, courage, discipline. Heroes are heroes like Ritu, right? And of course, other Indian origin athletes like Pooja, like Arjun Buller, like Gary Mangat, and more to come along the way. And we tell their stories and unleash their greatness on platforms like social media, on Star TV, Star Select 2, Hotstar. And ultimately, we inspire people, right? How many of you were so proud to see Ritu there? It ignited national pride, right? And it does for me too. So we are very excited to be in India. I think India is a huge market for us. I spend a lot of time around the world and around Asia. We are very, very excited given how passionate Indian fans are about sport. And also, not just cricket, right? Everyone knows cricket has been around for many, many decades. But new forms of sport, a contact sport like kabaddi, like wrestling, also soccer, is creating this alternative for Indians to consume amazing sport content. And so we are super excited to enter India in a big way with athletes like Hero Ritu on the martial arts stage. India, we're just getting started. Star has been an amazing partner to work with. We have big, big plans that we're going to announce over time with Star. Also for entering India and so on, physically, right? Of course, you can now watch us, all the content live as well as the shoulder content for One Championship, for One Warrior Series, on Star TV, Star Select 2 and Hotstar. And ultimately, it's the stories of heroes that will ignite a lot of Indians' passion points. Very happy to be here, and over time, we can answer any questions you guys have. We are getting started, and over time, our goal is to be the largest sports media property in the world. And we are on our way to getting there, and we're just getting started. So thank you for your support. Let's root for our Indian heroes, and let's really make them great on the global stage. Thank you. All right. Thank you so much, Mr. Hari. Oops. Thank you, Mr. Hari, for being with us. Okay. I actually want you to request to come back and join us again. Thank you so much, sir. All right.
I would also like to request Ritu Phogat to come and join us here in a bit. So guys, aapko samajh mein aa gaya hai ki 28 February ko ye bout hai. Alright guys, so do you guys look forward to it? Make some noise, yes? Taliyan, alright. Alright, isme kaafi sare techniques use hone wali hai, jaise bataya Ritu ji ne, and sir shared the insight on, you know, where all you can go to, you know, chase this match. Thank you, sir. Stage off to you. So this time, you know, now it's time for the questions and answers. Whoever has a question, please raise your hands. Microphones mein aapko pass kar diye jayenge bhi. Okay, so allow us a moment. The microphones will come to you. Thank you. Hi, I've got a question for both of you. Rohit from INS. Got a question for both of you. Ritu, aapka jo fight hai abhi, it's against a new boxer. So aapka plan kya hai? How do you look forward to the fight? What do you expect from the fight? And for you, sir, do you have plans? What further plans do you have for India? And do you plan on bringing any fights to India itself? मैंने फाइट के लिए काफ़ी ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि कब मेरा मैच होगा और मैंने उस चीज़ के लिए काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग की है तो कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं है मैच के लिए लेकिन जो बेसिक ट्रेनिंग होती है हमारी जो शेड्यूल होता है वही कंटिन्यू चल रहा है So as I said, we are very excited about India. At the moment, we're having great conversation with Star. And we are thinking of bringing a match to India later this year, second half of the year, likely in Mumbai. So stay tuned. We'll announce more details as they're finalized. Ritu, पहले भी कई बार आपके पिताजी से बात हुई, तो वो यही कहते रहे कि ये जो लड़की है ओलंपिक मेडल की होप है. अब आप शिफ्ट हो गई हैं मार्शल आर्ट में आ गई हैं मिक्स मार्शल आर्ट कर रही हैं तो कहीं आप मिस करती हैं ओलंपिक को या अभी भी आपका लगता है कि मैं फिर ओलंपिक मेडल के लिए वापस आऊँगी या कुश्ती भी लड़ूंगी जी बिल्कुल क्योंकि मेरे लिए मेरा रेसलिंग करियर काफ़ी अच्छा चल रहा था और मेरे लिए डिसीजन लेना काफ़ी रिस्की था लेकिन वही करते कुछ नया करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है तो मैंने वो रिस्क लिया क्योंकि मुझे इस गेम में काफ़ी इंटरेस्ट था और हमेशा से यही सोचती थी कि मिक्स मार्शल आर्ट में इंडिया से कोई चैंपियन क्यों नहीं है तो वही एक चीज़ थी और मेरे पास जब अपॉर्चुनिटी आई बोलने मेरे को वो अपॉर्चुनिटी दी हालांकि 2020 ओलंपिक था लेकिन जो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आई थी मैं उसको मिस नहीं करना चाहती थी तो यही एक रीज़न है कि मैं रेसलिंग से मिक्स मार्शल आर्ट में गई और मेरा अभी फ़िलहाल फोकस जो मिक्स मार्शल आर्ट में वर्ल्ड चैंपियन बनने का फिलहाल फोकस उसी पे है उसके बाद देखते हैं महावीर जी का सपना था कि मेरी कोई बिटिया ओलंपिक मेडल जीते तो आप लगता है आपको विनेश ओलंपिक मेडल की होप है क्या ओलंपिक में अगले जी बिल्कुल पापा यही चाहते थे कि मेरी बेटी देश का झंडा सबसे ऊपर लेके जाए तो मैं यही कहूँगी कि गेम चाहे कोई भी हो चाहे गेम वो रेसलिंग हो चाहे वो मिक्स मार्शल आर्ट गेम कोई भी हो लेकिन यहाँ भी मैं अपने देश कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ मैं यही चाहूँगी कि मैं अपने देश का झंडा सबसे ऊपर लेके जाऊँ और अपने फैमिली को अपने पापा को और अपने देश को वो गर्व महसूस कराऊँ जो मैंने रेसलिंग में किया है और मैं वो कंटिन्यू कर रही हूँ जी बिल्कुल विनेश काफ़ी अच्छा कर रही है और मैं काफ़ी उससे कांटेक्ट में हूँ और वो काफ़ी अच्छा कर रही है और मुझे ही नहीं पूरे देश को उससे उम्मीद है कि अब की बार लास्ट टाइम वो इंजरी की वजह से रह गई थी लेकिन अब की बार वो उस चीज़ को करके वो अपना देश के लिए देश का गोल्ड मेडल लेके आएगी I want to ask you, Hariki, what do you think that necessary to innovate a product in India, and like sponsorship, fans, families, according to you? Yeah, so, you know, ultimately one championship is a celebration of Asia's greatest cultural treasure, that is martial arts. And every single part of Asia has its own variation of martial arts, right? From jiu-jitsu to Muay Thai to Sendo, Silat, wrestling, Gatka, right? And so for us, localization is very important. And when we enter a market, we are hyper-localized. At the same time, we're a global property.
So on one aspect, you can have athletes like Ritu representing India, competing with other nationalities and making India proud. On the other aspect, we want to come to India and build a pipeline to find the next 100 Ritu Phogats, right? And so what we are doing in markets like China, Thailand, Philippines, Indonesia, is to go into the grassroots, go to the training centers, go to the gyms, the academies like Mr. Phogat has set up back in his gown, and find the next quality superstars. So we will make that commitment to India as well, to find the next rising stars out of India. Now, this obviously comes with localization of the product. I'll give you a reference to cricket, right? When, you know, India is playing, let's say, in Australia, you still have the local Harsha Bogle commentary that's coming back to India, and it makes you feel like you've not left India in many ways. So we want to be able to bring our product in a very local way to Indians, at the same time produce it in a very world-class manner with the one championship product flair. And that is a very hard thing to do, but we've done this in other markets, both on pipeline building as well as localization of the product, localization of the commentary, localization of the studio shows. And so we're very excited to connect with Indians at scale and trigger their passions and emotions to support athletes like this. Ritu, आप सभी बहनों का जो करियर बना पापा का रोल रहा, पापा ही ट्रेनिंग देती रहे हमेशा, सब कुछ पापा ही, इसमें क्या पापा से कोई मदद मिलती है आपको? मिक्स मार्शल आर्ट जो आप कर रही हैं, पापा का कोई सपोर्ट है आप सब आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि पापा और बहनों के सपोर्ट के बिना मैं आज वहाँ पे नहीं होती, उनका पूरा सपोर्ट है. और पापा की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, और वो हमेशा से जब हमने रेसलिंग स्टार्ट की तो हमेशा से वो एक ही बात देते थे कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा. जिसने भी वो चीज़, ये तीन चीज़ ठान ली, वो जिंदगी में कभी भी हार नहीं हारेगा. तो वही चीज़ पापा की मुझे हमेशा याद रहती है, और उनका हमेशा पूरा सपोर्ट रहता है. Alright, we can have last two questions for now. So I have a question. Hi Ritu, I'm Rohan from India today. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक रेसलर हैं और अब आप MMA में स्विच कर चुकी हैं, तो दोनों में से किसकी ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड है और कैसे डिफरेंट है दोनों की ट्रेनिंग, रेसलिंग और MMA की ट्रेनिंग? मैं ये कहूँगी कि डिफरेंस दोनों में कुछ नहीं है. प्रैक्टिस ट्रेनिंग में रेसलिंग में भी करनी पड़ती थी और ट्रेनिंग मिक्स मार्शल आर्ट में भी करनी पड़ती है. तो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो स्किल का डिफरेंट है, उसमें थोड़ा स्किल, क्योंकि वो मिक्स चार पांच गेम मिक्स हैं उसमें, तो स्किल का डिफरेंट है और अदरवाइज ट्रेनिंग की कोई डिफरेंट नहीं है. कैन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन प्लीज? सर, माय क्वेश्चन इज टू यू. देयर आर अदर मिक्स मार्शल आर्ट्स प्रमोशंस व्हिच आर पॉपुलर इन इंडिया, व्हिच आर गेनिंग पॉपुलैरिटी इन इंडिया, सच एज UFC. डू यू सी पॉपुलैरिटी ऑफ UFC एज अ चैलेंज टू वन, और डू यू सी इट एज अ हेल्पफुल टू वन, considering that it will give rise to the popularity of mixed martial arts per se? Yeah. So I think UFC has done a very good job in the West, in America. That's the home of the UFC. But you know, the way we think about martial arts, one, we think about it from the purity of the sport and Asian values, integrity, courage, discipline, honor, compassion. So from the ground up, every one of our athletes like Ritu, when they're competing, when they're training, you will see those values that come out in the stories and content that we shoot to inspire people. UFC doesn't necessarily stand for that, right? So for us, we're very proud that we are homegrown in Asia. We're an Asian company. Martial arts is an Asian sport, and we want to authentically take this Asian sport to the world. So again, if you think of Asia several years ago, it has always been importing sport, whether it's football, soccer, cricket also is not Indian sport, right? Basketball. But martial arts is the first Asian authentic sport that we want to export. And of course, with that, we will put India on the world map as well with athletes like Ritu. So yes, there are others out there, but our unique formula of values, heroes, and stories is infinitely scalable. Our viewership of UFC versus UFC is already 4 to 5x for every match on average. And that's because our content and our matches and our hero building appeals to a lot more people. It appeals to families, it appeals to children, it appeals to women. I'll give you an example. I have two young daughters, 6 years old and 3 years old. They have Ritu as a role model. They've actually been wanting to meet her. I said, Ritu's coming to Singapore on February 28th, so we'll get some autographs. But we want, success for us is when a kid growing up in some part of India, some part of the world, puts up a poster
of their athlete, of their hero. And we want to inspire that greatness through our athletes. And so the approach we take is very different from anyone else. And we think that is what is sets us apart from others, which is why you see some of our sponsors, right? This is just a small number of our sponsors, but JBL, for example, is the largest audio brand in the world. We have another one, for example, Grab, which is like Ola, Uber of Southeast Asia, again. And you look at just the quality, Tumi, Walt Disney, there are several Fortune 500 global brands that partner with us, local brands, regional brands. And the very fact that all of them choose to partner with one championship and not someone else shows that ultimately we are speaking to the brand, we are speaking to our and connecting with our audience in a very authentic way to inspire greatness in people and make people live the best version of themselves from being inspired. Yeah. All right, thank you for all the questions. So now we would like you guys to take photographs, okay, and upload them on the social media, all right, to support Ritu for the next bout. All right. Sir, I request you please stay on stage. All right, it's time for the fourth. Oh, wow, what an energy. Ritu, I'm sure you are charged up by now. All right, thank you. So now it's time for the first photo opportunity. Hari and Ritu is there. All right. Check. All right. And we have with us hamare respected Mr. Mahavir Singh Phogat, sir. Sir, aapka swagat hai. Please, judiye hamare saath. Taaliyan ho jaye, sir. Dangal Bapu, you know, Bapu sehat ke liye. All right. All right. Thank you, sir. Once again, guys, it's your time to take the pictures, click pictures. Okay. Oh, yes. All right. That's what we mean. You know what I mean? Yeah.